साल में आती है 24 एकादशी, हर महीने दो एकादशी आती है, लेकिन कुछ एकादशी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपको भूल के भी मिस नहीं करना चाहिए। खास उपाय आज मैं आपको बताने वाली जिसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, और इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है योगिनी एकादशी के पीछे कहानी, तो पूरा एपिसोड जरूर से आज आप देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योगिनी एकादशी के लिए ये भी एक पहला कंफ्यूजन है कि वो 1 जुलाई को है या 2 जुलाई को है। तो देखिए, 1 जुलाई को ये शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे और ये समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 9:45 के आसपास। तो सनराइज के हिसाब से निर्धारित किया जाता है एकादशी या पूर्णिमा या कोई भी दिन जो निर्धारित होता है वो सनराइज के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से 2 तारीख को माना जाएगा। तो जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको 2 तारीख को व्रत रखना होगा और 3 तारीख की सुबह को खोलना होगा। ओके, अब अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, फिर भी आप उपाय तो जरूर से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन पूरे दिन आप फलाहार पे रह सकते हैं या आप रात को ही व्रत खोल सकते हैं। अब ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, कोई बात नहीं, आप व्रत ना रखें, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन आप सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन का मतलब आपको नॉनवेज तो ऑफकोर्स नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, बैंगन आपको अवॉइड करना है, और इसके साथ साथ चावल आज के दिन अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, उससे भी हैवीनेस बॉडी में लगती है थोड़ी सी। जितना हो सके आपको हल्का खाना खाना है ताकि आपका जो बॉडी है एकदम लाइट रहे, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे एकादशी आप फॉलो करते चले जा रहे हैं आपकी हेल्थ में सुधार आता चला जाएगा, साथ ही साथ आपका जो थर्ड आई चक्र होता है ना वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इससे आपका सिक्स सेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा होने लग जाता है। अब इसके पीछे की आपको कहानी भी बता देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे जो उनका नाम था कुबेरा। अब उनके माली थे जिनका नाम था हेमाली। हेमाली हर बार गार्डन से यानी कि जो बगीचा होता ना वहां से उनको फूल लाके देता था ताकि वो पूजा कर सके। अब हेमाली की शादी हो गई विशालका के साथ। अब विशालका बहुत ही ज्यादा सुंदर, हेमाली पूरा दिन अपनी पत्नी में खोया रहता था, और उस चक्कर में हुआ क्या कि जो उसका फर्ज बनता था, जो उसका कार्य था, उसमें वो बराबर से नहीं कर पा रहा था। कई बार वो फूल देता था, कई बार नहीं देता था, कई बार वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, मतलब अपनी जो उसका ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसकी तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था, पूरा ध्यान उसके पत्नी में रहता था। ऐसे में राजा कुबेरा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उससे श्राप दे दिया, और ये श्राप दिया कि तुम मरते दम तक अपनी बीवी से अलग हो जाओगे और साथ ही साथ आपको कौड़ी की बीमारी भी हो जाएगी। वो हो गया सत्य। अब हेमाली को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि अब मैं क्या करूं, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, और जो मुझे श्राप मिला है इसको मैं कैसे कट करूं, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे मेरे नॉर्मल लाइफ हो। हेमाली था बहुत ही ज्यादा परेशान। तब उसकी मुलाकात हुई संत मार्कंडेया से। तब उन्होंने उसको बताया कि योगिनी एकादशी आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आज के दिन व्रत किया जाए तो 80,000 ब्राह्मण को खाना खिलाना और उनको दान देने के बराबर पुण्य आपको प्राप्त होता है, और कितनी भी अगर आपको बद्दुआ लगी हो, चाहे वो पास्ट जन्म की हो या इस जन्म की हो, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तब हिमाली ने ठान लिया कि मैं ये व्रत जरूर से करूंगा, और उसने पूरे दिन का ये व्रत रखा, और जैसे ही व्रत रखा उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई और अपने पत्नी से उसका मिलन हो गया। तो इस कहानी से मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि भले आप व्रत ना करें, लेकिन आज के दिन आप एटलीस्ट आपके जो शब्द है ना उस पे आप जरूर से ध्यान दें। यानी कि अगर आप किसी को गलत शब्द भी बोल रहे हो तो आप सामने वाले को नहीं बोल रहे हो, उसको नहीं लगेगा, उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन बिना वजह आपको किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ भी बिना वजह आपको आर्ग्यू नहीं करना है, अपनी सोच पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी के बारे में नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, किसी के बारे में गॉसिप आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन जितना हो सके आप ईश्वर से माफी मांगे, पिछले जन्म में या ये जन्म में आपको ये बोलना है विष्णु भगवान को कि जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हुई होगी, मुझसे गलतियां हुई होगी, मुझे माफ करना, मेरी ये इच्छाएं हैं इनको आप पूरा करो। दिल से आप पूरा दिन आज के दिन विष्णु भगवान का मंत्र जाप जरूर से कीजिएगा। उसमें से मेन जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं तो आप कृष्ण भगवान का मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
ओम क्लीम कृष्णाय नमः कंटिन्यू आप मन में बोलते चले जाएं, या अगर आपको बैठ के करना है तो आप एक माला या दो माला अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, या विदाउट माला आप मतलब मन से आप ही ना करते चले जाएं। दिल से आप ये पूरा दिन आज ये कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी आप जरूर से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपका जो घर का पूजा स्थान है वहां पे आप रेगुलर दिया तो जलाते ही, अब उसके पास में आपको और एक अलग से दिया जलाना है। अब वो आटे का हो सकता है या वो मिट्टी का हो सकता है, उसके अंदर आपको गोल बाती का ही इस्तेमाल करना है। घी आप डालेंगे, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा आप डाल दीजिए, और उसमें आप डालेंगे 7 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना, वो आप उस दिए में डाल देंगे। इस दिए को आप जला देंगे, उसके बाद आपकी प्रार्थना कर ले, मंत्र जाप जो मैंने आपको विष्णु भगवान का बताया वो आप कर लीजिए। जब ये दिया बुझ के हो जाएगा तो बाद में आप इस आटे को गोले को एज इट इज ले लेंगे, उसमें से बाती आप निकाल देंगे जो काली काली है। लौंग आप उसके अंदर ही रहने दें, गुड़ जो थोड़ा बहुत है ठीक है उसको आप रहने दें, उसके अंदर ही आप शक्कर या चीनी मिला दे, इसका गोला बना दे, बाहर से भी आप शक्कर या चीनी लगा दे, इसको कहीं पर भी रख के आए उसी दिन या दूसरे दिन, ताकि उसको चींटियां खा सके। क्योंकि आपने ये आटे का दिया बनाया तो देखिए ये वेस्ट भी नहीं करना है हमें, और अगर ये चींटियां खाती है तो इससे अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो वो भी धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएगा। अब इनकेस जो NRI है उनके यहाँ चींटियां नहीं है तो वो छोटी छोटी गोलियां बना के मछलियों को खाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसी का गोला बना के आप गाय को खाने के लिए दे सकते हैं। कहीं नहीं, एकादशी की कहानी से हमें ये भी समझना चाहिए कि कितना भी कुछ हो जाए जीवन में, आपकी जो ड्यूटीज होती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उससे कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इंटरेस्ट के काम में इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हम फैमिली को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, या जहां पे हम जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस आने लग जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी जो भी ड्यूटीज है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पे आपका हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कार्य आपका जीवन में होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हार्डवर्क का जो फल होता है ना वो जरूर आज नहीं तो कल मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।